अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ सबा मुकद्दस और आज मैंने कहा वीडियो थोड़ी थोड़ी सी चेंज करते हैं और ड्रेस आप मेरा देख रहे हैं। आज 14 अगस्त है तो 14 अगस्त के हवाले से मुझे ये अपना ग्रीन ड्रेस जो है वो नज़र आया। ये आप लोग ऑलरेडी मेरी वीडियो में देख चुके हैं, मैंने जो स्टिच हुए ड्रेस ईद पर आपको दिखाए थे उनमें से एक ड्रेस ये था। तो 14 अगस्त की मुनासबत से मैंने सिलवाया तो नहीं, बच्चों के तो आपको पता है मोस्टली हर ट्रेडिशन के हिसाब से बनते हैं, तो ये मैंने जनाब स्टिच करवाया था और आज पहना था। और अभी मौसम बहुत ज़बरदस्त हुआ है, जब हम छोटे होते थे तो तब भी 14 अगस्त में जब 14 अगस्त होती थी तो बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम हो जाता था, हम लोग रात को झंडियाँ लगाते थे और बारिश आ जाती थी, हमारा सारा जो किया जरा था या मेहनत होती थी वो ज़ाया हो जाती थी। आज मैंने बच्चों को थोड़ी सी झंडियाँ लगा के दी हैं बाहर वाली साइड पे और बच्चों की कुछ पिक्चर्स भी बनाई हैं क्योंकि उनके स्कूल में कल फंक्शन था, सैटरडे संडे को वो ऑफ होता है तो स्कूल में कल सेलिब्रेट कर लिया था, तो उनकी ड्रेसिंग भी मैं इस वीडियो में पिक्चर्स जो हैं वो अपलोड कर दूँगी। और ज़ाइना ने थोड़ी सी स्पीच प्रिपेयर की थी 14 अगस्त के हवाले से, जो कि स्कूल में उसने मतलब असम्बली में सुनानी थी, तो मैंने कहा वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं, आप लोगों को 14 अगस्त मुबारक पाकिस्तानियों को। और मेरे जो इंडियन सब्सक्राइबर हैं उन लोगों का कल 15 अगस्त को होगा, तो उनको भी एडवांस में हैप्पी इंडिपेंडेंस और अल्लाह ताला इस मुल्क को हज़ारों करोड़ों तरक्कियां देखनी नसीब करे और बहुत सी मुश्किल ये जो कोरोना वायरस की मुश्किल हैं या और मुश्किल हैं उसमें से हमें निकाले और इसी तरह हम हज़ारों 14 अगस्त मनाते जाएं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। माय डियर फेलोस, माय नेम इज ज़ाइना कुंजर। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस माय फीलिंग विद ऑल ऑफ यू अबाउट माय कंट्री, योर कंट्री एंड आवर बिलव कंट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू थैंक Ilham Iqbal, who dreamed about Pakistan, and thanks to Qaid Azam, who founded Pakistan. As you all know, our forefathers had sacrificed so much for a future where we can live with prosperity and dignity. So let's rhyme and say loudly: Pakistan Zindabad, Pakistan Zindabad, Pakistan Zindabad, Pakistan Zindabad.